मलाड पश्चिम भाटी गांव में रहने वाले सैकड़ों भाटी मच्छीमार इन दिनों बीएमसी के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए हैं। दरअसल भाटी गांव में मौजूद करीब 150 साल पुराने शमशान को बीएमसी ने कोर्ट को गुमराह करते हुए ध्वस्त कर दिया है। इस बीच सांसद गोपाल शेट्टी ने कोली समाज के साथ शमशान भूमि का दौरा किया और बीएमसी अधिकारियों को चेताते हुए बताया है कि अगर बीएमसी अधिकारी शौचालय को पूर्ववत नहीं करते हैं तो यहां मरने वाले को शव लेकर सांसद खुद बीएमसी अधिकारियों के दफ्तर के सामने जाएंगे और धरना आंदोलन करेंगे। सांसद ने क्या कुछ कहा है देखिए इस तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार लगातार उजागर हो रहा है, ऐसे में यह नई बात नहीं है कि जब सांसद को इस तरह से किसी बीएमसी अधिकारी को चेताते हुए अभी मैं इनको गांव वाले को बोला, अभी इसके बाद में जो भी बॉडी होगा वो जो कोर्ट में गए थे उनके घर के सामने लेके आके जलाने का। मुद्दा नंबर वन, हाँ जी नहीं वो तो सब मैं एड्रेस ढूंढ के निकालूंगा, मेरी बात को सुन लो। तुम कल के कल वापस इधर आके विजिट करने का, फैक्चुअल रिपोर्ट लिखने का, और ये जो सब बंगलों वाले जब कंप्लेंट करते हैं उनका आज का आज जो काम भी चला उसके ऊपर तुम ये करो पूरा ताबड़ तो। अभी मैं फोटो निवाले भी आए, मीडिया में चलेगा वो, तुमको वीडियो भी भेज दूंगा। और तुम्हारे जानकारी के लिए शमशान बॉडी जलाने के लिए कोई CRZ ये वो सब कोई कायदा लगता नहीं है। 7-12 में एंट्री है, कलेक्टर ने जगह दिया है। और तुम्हारे जानकारी के लिए यूपी जैसे राज्य में आज भी दरिया में सब बॉडी छोड़ते हैं, मतलब ये सब जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ये सब दरिया किनारे होता है। अब कोर्ट को मिसगाइड करके ये लोग ने ऑर्डर लिया है, कोर्ट को मिसगाइड इसलिए भी किया कि तुम बीएमसी वाले या कलेक्टर डिपार्टमेंट वाले सब डर गए, MCZM ये एम वो एम हाँ इसका मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। मैं दिल्ली से कल रात को आया, मैं यहाँ पर आया हूँ तो कितना गंभीरता से मैंने विषय को लिया, जरा देख लो। जो जो लोगों ने कंप्लेंट किया है, जो जिनको उनका बंगला को प्रॉब्लम आता है, मेरे साथ में मीडिया वाले हैं, अगर विद इन द रूल्स होगा उनको बिल्कुल परेशान नहीं करने का। मैं मेरी बात सुनो, मैं गाँव वालों के सामने बोल रहा हूँ, विद इन द रूल्स होगा तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम परेशान नहीं करने का, विद इन द रूल नहीं होगा तो ताबड़तोब उसके ऊपर एक्शन लेने का। हाँ वो उसका एक्शन का एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट शमशान बनाने के लिए क्या क्या करने का वो सब करने का। जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे, तुम कलेक्टर को सब रिपोर्ट दे दो ये ऐसा 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 हुआ था, हाँ कोर्ट को मिसगाइड किया इसलिए सब हुआ है करके करो। नहीं तो मैं क्या करूँगा तुमको अभी सुन लो, मैं एक बॉडी लेकर तुम्हारा वार्ड के सामने आ जाऊँगा, मैं आऊँगा साथ में, मैं आऊँगा। हाँ हाँ तो इसको अभी तुम एकदम सीरियस ले लो, ये हमारा भूषण वड़े ये कुमार सुनील कोहली ये सब तुमको आके मिलेंगे, एकदम सीरियस ले लो इसको। क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। कोहली लोगों को मरने के बाद में भी अगर उनको शांति नहीं मिलती है, उनका अंतिम विधि करने की अगर व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका करती नहीं है, और ये मुंबई महानगर पालिका के लोग, ये MCZM के लोग, ये कलेक्टर डिपार्टमेंट के भ्रष्ट लोग, अच्छे ऑफिसरों का मैं सम्मान कल भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। कोर्ट को जो सही रिपोर्ट देना चाहिए वो दिया नहीं, और कोर्ट से भी ऑर्डर इस प्रकार का लेकर इसको तोड़कर बंद कर दिया। असलम शेख का लेटर है, पीयू मेहता का लेटर है, इसमें विधायक हमारे थे, वो कौन से भी पार्टी के हो। अब बच्चा क्या है इसमें, जो बंगलों बनाते हैं बाहर के आकर, मैं फिर प्रांत और पर प्रांत का मुद्दा कभी उठाता नहीं हूँ, हम सब भारतीय है, सभी भारतीयों को यहाँ पर रहने का अधिकार है, यहाँ पर कामकाज करने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकारी किसी ने भी नहीं दिया है कि जो भूमिपुत्र है उनके पर अन्याय करे, ये अधिकारी किसी ने किसी को नहीं दिया है। और तुम थोड़ा अपना सुख के लिए, अरे बाबा तुम भी तो मरने वाले हो, तुम्हारे घर परिवार में भी लोग मरने वाले हैं, उनको भी तो कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। हाँ अब गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की है तो कोहली लोगों के लिए व्यवस्था कहाँ पर होगी। ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है,
इसलिए पार्लियामेंट से आने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी वार्ड ऑफिसर से बात की है, हमारे लोग जाकर कल कलेक्टर से बात करेंगे, परमिशन देंगे तो परमिशन लेकर बनाएंगे, परमिशन नहीं देंगे तो परमिशन के बिगैर गोपाल सिटी यहाँ पर स्मशान बनाएगा। और मेरी दूसरी बात सुन लो, जो पैसे वाले लोगों ने इसका विरोध किया है उनका कितना बड़ा 2 माले का 3 माले का बिल्डिंग बनता है वो देख लो आप लोग, मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। कोई अपने ज़मीन पर घर बनाता होगा तो उसमें मुझे कोई लेने देना नहीं है, लेकिन तुम दूसरे के पेट पे पाँव मत दो। मेरी अगर बस चला तो मैंने जिन्होंने इसका विरोध किया है उनके पैसे से ये स्मशान भूमि में बांधूंगा। ये भी सुन लो, उनको ही बोलूँगा ये बनाओ तब ये झगड़ा खत्म होगा, नहीं तो झगड़ा बहुत लंबे तक जाएगा, बहुत लंबे तक जाएगा झगड़ा।